नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अ पिक्चर इज पेंटेड ऑन अ कार्डबोर्ड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर वाइड। एक कार्डबोर्ड है ए बी सी डी 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर वाइड। सो राइट डाउन लेंथ ऑफ कार्डबोर्ड उस पे हमें एक पिक्चर पेंट करनी है। लेंथ ऑफ कार्डबोर्ड 8 सेंटीमीटर ब्रेथ ऑफ कार्डबोर्ड इज 5 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड ए बी सी डी रेक्टेंगल शेप है सो लेंथ इंटू ब्रेथ 8 इंटू 5 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया। नेक्स्ट सच दैट देयर इज अ मार्जिन ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। आप पिक्चर को पेंट करने से पहले जो कार्डबोर्ड है आपने सब तरफ से 1.5 मार्जिन छोड़ दिया है। तो ये मार्जिन है पूरा कौन सा, ये दिस वन सारा मार्जिन है आपका, ये आपने मार्जिन छोड़ा है पिक्चर को पेंट करने से पहले। तो जो कार्डबोर्ड की ओरिजिनल लेंथ थी वो क्या हुई, रिड्यूस हो गई, कम हो गई। आपको पेंट करने के लिए कितना जगह मिली, स्पेस मिली, कम हो गई वो, क्योंकि हमने मार्जिन भी छोड़ दिया। सो रिड्यूस्ड लेंथ ऑफ कार्डबोर्ड, रिड्यूस्ड लेंथ ऑफ कार्डबोर्ड टोटल थी 8, 1.5 का मार्जिन है सब तरफ से। तो 1.5 अगर ये पूरी लेंथ है, 1.5 मार्जिन आपने ये भी छोड़ा, 1.5 ये भी छोड़ा, तो दोनों माइनस हो गए। 1.5 प्लस 1.5 इज 3, सो 8 माइनस 3 इज 5 सेंटीमीटर। नाउ रिड्यूस ब्रेथ, वो भी डिक्रीज हुई, रिड्यूस ब्रेथ ऑफ कार्डबोर्ड कितनी थी 5 सेंटीमीटर, दोनों तरफ से मार्जिन छोड़ा 1.5 का, सो 5 माइनस 3 2 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर एरिया ऑफ कार्डबोर्ड जो कि रिड्यूस हुआ है, कौन सा कार्डबोर्ड, ई एफ जी एच रिड्यूस लिख सकते हो, द एरिया ऑफ कार्डबोर्ड विद मार्जिन, मार्जिन भी छोड़ा था हमने 1.5 का, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ 5 इंटू 2 दैट इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना है, टोटल एरिया ऑफ मार्जिन कि कितना मार्जिन आपने छोड़ा था उसका एरिया फाइंड करना है। वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड जितना ओरिजिनल था माइनस एरिया ऑफ कार्डबोर्ड विथ मार्जिन, कितना था ओरिजिनल कार्डबोर्ड का एरिया 40, 10 सेंटीमीटर मार्जिन का वाला, सो कितना आया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ मार्जिन पोर्शन जो आपने छोड़ा था। दोबारा से डिस्कस करते हैं, एक कार्डबोर्ड जिसकी लेंथ 8 ब्रेथ 5 तो एरिया है उसका 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने कार्डबोर्ड पे पेंट करने से पहले पिक्चर चारों तरफ से 1.5 मीटर का मार्जिन, सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ा है, तो अगर लेंथ रिड्यूस होगी तो ये भी 1.5 होगी और इधर से भी 1.5 होगी। सो 8 माइनस 1.5 टू टाइम्स, सो 8 माइनस 3 5। अगर लेंथ रिड्यूस हुई है, मार्जिन आपने चारों साइड छोड़ा है, तो ब्रेथ भी डिक्रीज होगी, सो 5 माइनस 3 2। तो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड विद मार्जिन तो वो क्या आया, ई एफ जी एच, जो अंदर वाला है ये ई एफ जी एच दैट इज 5 इंटू 2 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें तो एरिया फाइंड करना है सिर्फ मार्जिन का, तो ओरिजिनल कार्डबोर्ड में से मार्जिन वाला जो कार्डबोर्ड है उसका एरिया माइनस करेंगे तो हमारे पास मार्जिन का एरिया आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर।